हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को हम पीछे से ही पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 3 जो है बता रहे हैं। तो इसमें है कि जब रिपोर्टेड इन स्पीच में प्लीज, सर, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ड सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसे नियम हमारा है कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, काइंडली आ जाए, तो इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं और इनके जगह पर जो है हम जो है रिपोर्टिंग वर्ड सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल में आया है, राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द आया है, तो जब प्लीज शब्द आया है तो सबसे पहले हम काम करेंगे सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यहां लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड श्याम, यहां प्लीज को हटा देंगे और वर्ड से पहले लगा देंगे, पहले जैसा नियम था टू कम एंड टेल। यहां भी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, यहां हो जाएगा टेल हिम समथिंग। और जैसे एग्जाम्पल में देख लो, सी से इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का परिवर्तन, इसके पहले इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा जनरल रूल था, लेकिन यदि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट आ रहा है तो हम इसे किस प्रकार से बदलेंगे, इसका नियम हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम लेट से जो है पहला नंबर हमारा आता है प्रपोजल, इसको हम हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, प्रपोजल या प्रस्ताव। तो इसमें यह है कि यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों में लेट के साथ अस का प्रयोग अवश्य होता है। यानी यदि प्रस्ताव वाला है वाक्य तो हमारा जो है लेट के साथ अस का प्रयोग जो है अवश्य होता है।
तो ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम बता रहे हैं। पहला नंबर है इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ड सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। दूसरा नंबर हम जो है कंजक्शन तीसरे पॉइंट में अस को बी या दे में रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार। लास्ट पॉइंट में वी या दे के बाद शुड तथा अन्य शब्दों को लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे हम पहले ही बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा लेट का परिवर्तन है उसके लिए हम तीन नियम जो है दिया गया है। पहला प्रपोजल वाला होता है, दूसरा रिक्वेस्ट वाला होता है और तीसरा जो है आर्डर वाला होता है, आदेश वाला होता है। तो पहले नियम में हम बता रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो पहला नियम है लेट वाला उसका होता है प्रपोजल प्रस्ताव। यानी यदि लेट से किसी को प्रस्ताव देने या राजी करने के भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों में लेट के साथ अस का प्रयोग अवश्य होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम है। पहला नंबर है कि रिपोर्टिंग वर्ड सेट को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ड सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा नंबर है कि हम इसमें कंजक्शन जो है दैट लगाते हैं। तीसरे नंबर में जो हमारा अस आया है उसको वी या दे में हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो हम वी में बदलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो हम दे में बदलेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट में वी या दे के बाद हम जो है शुड का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब तथा अन्य शब्दों को हम लिख देंगे। जैसे एग्जांपल में आप लोगों को हम बता रहे हैं हरी से कामाई वर्ण कामा में लेटस ले ए मरीज इन वर्ण कामा हमारा हम यहां हम देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग हुआ। तो पहला नंबर हमारा जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव का नियम है कि हमारा लेट के साथ अस का प्रयोग जो है हुआ है। यानी हम इससे यह जानेंगे कि इसमें जो है प्रपोजल है, प्रस्ताव है, तो इसको बदलने का नियम हम आप लोगों को बताएं। पहला नंबर हम सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे। जैसे लिखेंगे हरी प्रपोज
हो गया। इसके बाद कंजक्शन लगा देंगे यहां पर, हो गया दैट, हो गया। इसके बाद जो है हम वास को जो है वी या डेली बदलेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का, तो यहाँ हो गया दे। और दूसरे नंबर पर जो हमारा लेट है, लेट को हम जो है दूसरे नंबर पर हमारा लेट है, तो लेट को हम जो है शुड में बदल करके इसके आगे लिखेंगे, यानी यहाँ लिखा गया है वी या डेली के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, तो हम इसी लेट को जो है शुड में बदल देते हैं, यहाँ लिखेंगे डे शुड प्ले ए मैच। और एग्जाम्पल में देखिए, आई सेड टू हिम, कहा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट अस प्ले इन द फील्ड। यहां देखिए लेट के साथ अस का प्रयोग है, तो हमें यह पता चल रहा है कि यह प्रपोजल वाला है, प्रस्ताव वाला है। तो पहला नंबर हम जो है सेट को प्रपोज या सजेस्टेड किसी में हम बदल सकते हैं, लिखेंगे यहां आई सजेस्टेड हिम, कंजक्शन लगा देंगे दैट। पहले नंबर पर हम अस को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो यहां हमारा सब्जेक्ट में हो जाएगा आई, सॉरी आई नहीं, यहां वी होगा वी। अब यहां हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पर हम लेट को बदलेंगे, लेट को जो है हमें शुड में बदलना है, तो यहां लिख लीजिए शुड प्ले इन द फील्ड। इस तरह से हमारा जो प्रपोजल वाला है वह जो है बदल रहा है। अब हम आप लोगों के लिए इसी में का हम जो है होमवर्क दे दे रहे हैं, जिसको आप लोग जो है रिवाइज करिएगा, जो भी दिक्कत होगी परेशानी होगी आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, तीन चार जो है इसमें लेट वाला है और एक जो पीछे पढ़ाया हम इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, जो भी परेशानी होगी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।